संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रदत्त विभिन्न हक व अधिकारों की मांग को लेकर गुरुवार को 5 जिलों से आए टाना भक्तों ने उपायुक्त कार्यालय में डीसी व एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों को घंटों घेरे रखा, साथ ही जमकर बवाल भी काटा। कई बार स्थिति बिगड़ती बनती रही। इस दौरान टाना भक्तों ने डीसी एसपी को कुर्सी छोड़कर जाने को भी कहा। टाना भक्तों ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी ही अधिकारी व पदाधिकारी बन सकते हैं। इस पर डीसीएसपी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, मगर वे उनका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। टाना भगत अपनी हक व अधिकार को लेकर जिद पर अड़े थे, साथ ही वे संविधान के कई आर्टिकल का हवाला देते हुए सीधे प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती देते रहे। छोटी मिला के 16 जिला पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग का संविधान के 5वां अनुच्छेद पारा 6 के 2 पार उपपारा 2 के तहत यहाँ शासन व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। और यहाँ पर जो है 5वां अनुसूची का चपरासी लेके ऑफिसर तक 5वां अनुसूची में नौकरी चाकरी मिलना चाहिए कोई भी सरकार। और हम लोग हम आदिवासी लोग टाना भगत लोग यहाँ मालिक है, अन्य पर अधिकार में मालिक है, तो हम लोग का मालिक के अनुसार नियम कानून बनना चाहिए, काम वाम करना चाहिए। और अनुच्छेद 256 के तहत जहाँ विद्यमान विधि है, आदिवासी है, पढ़ा व्यवस्था है, टाना भगत व्यवस्था है, वहाँ पर नियम कानून बना के जो 7वीं अनुसूची IAS IPS लोग है, CEO BDO है, गैर आदिवासी यहाँ से चले जाने का है। ये अधिकार कैसे मिला, संवैधानिक अधिकार है? ये संविधान का कौन सा आर्टिकल बताइए, आर्टिकल बताइए जो बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, किस किस तहत जो आप लोग राइट मांग रहे हैं? हम लोग का वाला जो अनुच्छेद 256 के तहत है, जहाँ विद्यमान विधि है, पढ़ा व्यवस्था है, टाना भगत व्यवस्था है, ढोकलेश्वर व्यवस्था है, वहाँ पर राज्यपाल की कार्यपाल शक्ति अंतरित नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर जितना भी सरकारी तंत्र है यहाँ से चले जाने का है। ये है 5वां अनुसूची। आपकी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, अपनी संविधान 5वां अनुसूची विद्यमान विधि संविधान बनने के पहले का नियम कानून है, वही नियम कानून यहाँ पर लागू होने के चाहिए। मेरा धन्यवाद। सर से पहले शासन व्यवस्था से अलग संविधानिक व्यवस्था आदिवासियों के लिए दिया गया है। 4 राज्यों में जो पहाड़ी क्षेत्र राज्य में होता है, जिसको हम लोग असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य है जो 6वीं अनुसूची के लिए बांटा गया है। 5वीं अनुसूची जो है वो 10 राज्यों के लिए दिया गया है, और 10 राज्यों में अलग अलग जिले हैं, और झारखंड में 15 जिले आते हैं, 2 जिले आंशिक रूप से हैं, उस जिलों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था दी गई है। उसी व्यवस्था की मांग कर रहा